हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी प्रजापति और फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक TQWL वेटिंग के बारे में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप लोग तत्काल वेटिंग लिस्ट बुक करते हैं और वह तत्काल वेटिंग लिस्ट बुक हो जाता है तो क्या वो वेटिंग लिस्ट कन्फर्म होता है और कितने नंबर तक कन्फर्म होता है। सो सारे आज के सवाल के जवाब हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आपको मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा फ्रेंड्स एक सजेशन कि अगर आप तत्काल वेटिंग लिस्ट बुक करते हैं और अगर वो तत्काल में कन्फर्म नहीं भी बुक हुआ है तो आपको एक भी रुपया नहीं कटेगा और बुक भी नहीं होगा। क्या वो ट्रिक है मैं आपको आज वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, लेकिन फर्स्ट में ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका तत्काल वेटिंग लिस्ट बुक हो गया है तो वो कन्फर्म कितने नंबर तक होता है और कन्फर्म होता भी है या फिर नहीं होता है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ TQWL क्या है। हालांकि आप लोग जानते होंगे TQWL होता है, इसका फुल फॉर्म तत्काल होता है वेटिंग लिस्ट, और यह वेटिंग लिस्ट ट्रेन खुलने के एक दिन पहले 24 घंटा पहले बुक होता है, जो कि TQWL के नाम से जाना जाता है। जब भी आप लोग तत्काल वेटिंग बुक करते होंगे तो हमेशा ज़्यादातर आपका जो है तत्काल वेटिंग में ही बुक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेन का जो है तत्काल अवेलेबिलिटी शो वो ख़त्म हो जाने के बाद आप पेमेंट करते हैं, देन उसके बाद आपका भी तत्काल वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट के वेटिंग लिस्ट टिकटों की कंफर्म होने की चांसेस ना के बराबर होती है। इसका कंफर्म होने का चांसेस जो है सभी वेटिंग टिकटों से बहुत ही कम होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि एक ट्रेन में कई तरह के वेटिंग लिस्ट होते हैं, अगर वो सारे वेटिंग लिस्ट कन्फर्म हो जाते हैं उसके बाद सीट बचता है तब आपको जो है कन्फर्म तत्काल वालों को देखा जाता है वेटिंग लिस्ट, तब विचार किया जाता है कि अगर सीट है तब आपको कंफर्म किया जाता है, अदरवाइज सीट नहीं रहने पर आपको नहीं किया जाता। अगर आपका तत्काल वेटिंग लिस्ट 5 से ऊपर में है तब बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होती है, लेकिन अगर 5 से नीचे में है और अगर सेशन नहीं चल रहा है तो नॉर्मली यह कन्फर्म हो जाती है। मैं भी अपने फैमिली मेम्बर का टिकट बुक कर लिया हूँ, तो मैं आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सब बताने वाला हूँ कि कितना तत्काल मैंने बुक किया था और कौन सा सेशन चल रहा था, कन्फर्म हुआ या फिर नहीं हुआ। तो मैंने एक 15 पटना जंक्शन से सैलम जंक्शन के लिए तत्काल वेटिंग बुक किया था, लेकिन जिस टाइम सेशन नहीं चल रहा था और 15 वेटिंग था, मैंने सोचा ये 100% टिकट 15 वेट TQWL की कन्फर्म नहीं हो गए, लेकिन चार्ट बनने के बाद वो टिकट 100% कन्फर्म हो गए लेकिन सेशन नहीं चल रहा था। वही एक दिन था मैंने एक फैमिली मेम्बर का टिकट बुक किया था कि कन्फर्म हुआ था। सो फ्रेंड्स, अगर सेशन चल रहा है तो आप तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट भूलकर भी ना लें, टिकट एक नंबर भी कन्फर्म नहीं होती है। यहाँ दोस्तों, अगर आप तत्काल वेटिंग लिस्ट ले लेते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि मेरा एक दो वेटिंग लिस्ट है तो वो कन्फर्म नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम काफ़ी सेशन चल रहा होता है, GNWL की भी काफ़ी वेटिंग लिस्ट भीड़ भरी हुई होती है, जिसके कारण तत्काल कन्फर्म नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं तत्काल टिकट कन्फर्म कब किया जाता है। तत्काल टिकट कन्फर्म डायरेक्ट वेटिंग लिस्ट अगर है तो डायरेक्ट कन्फर्म तब होती है कोई तत्काल कन्फर्म टिकट वाला पैसेंजर अपना टिकट कैंसिल करेगा। अब ये बताइए कि कल आपको जाना है और आपने आज तत्काल की ट्रिप बुक किया है, इतना इमरजेंसी में आपको ऐसा क्या इमरजेंसी आने वाला है कि फिर आप कल वाली ट्रेन और जो भी तत्काल कैंसिल करना चाहते हैं, जबकि आपको ये पता है कि अगर आपने तत्काल कन्फर्म टिकट को कैंसिल किया तब आपको एक भी रुपया रिफंड नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आप तत्काल वेटिंग लिस्ट ले लिए हैं तो वो ना के बराबर होती है कन्फर्म होने के, लेकिन अगर कोई सेशन नहीं चल रहा है तो नॉर्मली आपका 5 या फिर 10 तक भी वेटिंग लिस्ट हार्डली कन्फर्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद वाली तत्काल वेटिंग लिस्ट ना के बराबर कन्फर्म होती है। मैं आपको बोला था कि लास्ट में आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आप खुद से अपना टिकट बुक कर रहे हैं तत्काल कोटा में, अगर आपको वेटिंग टिकट लेना है तो समझिए उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उम्मीद चाहते हैं तो आप वेटिंग लिस्ट काटिएगा, 60 रुपया कटेगा पर GST कटेगा। अगर कन्फर्म हो तो ठीक है, नहीं कन्फर्म हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा एक रुपया भी नहीं कटे और कटे तो कन्फर्म ही कटे वरना कटेगा ही नहीं, तो ये बॉक्स पे आपको ऊपर टिक करना है। अगर ये आपको बॉक्स पे टिक कर देते हैं वो कॉन्डिफ कन्फर्म बर्थ अलॉटेड, तो आपका कटेगा तो सिर्फ कन्फर्म ही कटेगा, अदरवाइज कटेगा ही नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना होगा, जब आप पेमेंट कर देंगे पेमेंट के बाद आपसे यस और नो का ऑप्शन पूछा जाएगा कि सीट नहीं है, क्या आपको प्रोसेस करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे नो क्लिक करना होगा। अगर यस बुक कर देंगे तो वो सिलेक्ट करने के बाद भी आपका वेटिंग टिकट बुक हो जाएगा और आपका फिर से वही होगा जो होता आ रहा है। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझा पाया कि तत्काल वेटिंग लिस्ट कन्फर्म कितनी होती है या फिर नहीं होती है, और अगर आप बुक करना चाहते हैं सिर्फ कंफर्म तो क्या हमें करना चाहिए। सो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।